अपना संबंध बताया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर सलमान खान, क्योंकि पहले भी जब सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी, इसके पीछे भी लॉरेंस गैंग के बिश्नोई का नाम ही आ रहा था। और एक बार जब फिर एनसीपी के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी का मर्डर कल देर रात हुआ 9:30 बजे और 11:27 पर जब लीलावती हॉस्पिटल में उनको डेड डिक्लेयर किया गया, उसके बाद से सलमान खान से, क्योंकि इनका रिश्ता काफी ज्यादा अच्छा था, ये भी बताया जा रहा है कि पर्सनल रिलेशंस भी में भी इनका कहीं ना कहीं इंडल्जेंस था, और उसके बाद से अब क्योंकि बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम कहीं ना कहीं इसलिए आ रहा है क्योंकि जो दो शूटर्स को गिरफ्तार किया गया है उनसे देर रात पूछताछ के बाद एक बड़ा अपडेट निकल कर आया। दोनों शूटर्स ने, जो एक उत्तर प्रदेश और एक हरियाणा का रहने वाला है, उन्होंने बताया कि वो कहीं ना कहीं उनका तार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं। और सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में जो दो ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी उसके पीछे भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग का, और इसीलिए मुंबई पुलिस ने गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर कड़ी सुरक्षा कर दी है, सुरक्षा बढ़ा दी गई है सलमान खान के बाहर की। ये सीधे तस्वीरें गैलेक्सी अपार्टमेंट के घर के बाहर की, जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हाई सिक्योरिटी में अब सलमान खान के घर पर भी वहां पर मुस्तैद किए गए हैं पुलिस। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। और द मुंबई में एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शनिवार की देर रात मुंबई के बांद्रा ईस्ट में उन पर फायरिंग की गई और इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक आरोपी फरार है। कार में सवार होकर आए तीन शूटर्स ने उन पर 3 से 4 राउंड की फायरिंग की। दो गोली उनके सीने में लगी जिससे उनकी मौत हो गई। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी आ रहा है कि 4 शूटर हत्या में शामिल थे। पुलिस ने 2 शूटर को गिरफ्तार कर लिया। एक शूटर का नाम गुन्नेल है, दूसरे का नाम धर्मराज है। धर्मराज उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, दूसरा आरोपी गुन्नेल हरियाणा का रहने वाला है। वारदात वाली जगह से पिस्टल भी बरामद किया गया है। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि शूटर्स का लॉरेंस गैंग से होने का दावा किया जा रहा है। शूटर्स के दावे की जाँच में पुलिस जुट गई है। एक अपडेट आपको ये भी बताते चलें कि जो मुंबई पुलिस है वो उत्तर प्रदेश और हरियाणा के पुलिस से अप्रोच भी कर चुकी है और आरोपियों के डिटेल्स मांगे गए हैं, यानी कि दोनों शूटर्स जो गिरफ्तार। एकंदरीत अतिशय अचानक अशा प्रकार की घटना घड़ा संपूर्ण कुटुंब सगळा परिवार संपूर्ण कार्यकर्ते सगळेच आम्ही अतिशय तो आप अजीत पवार को देख रहे थे। अजीत पवार ने कहा कि उन्होंने शोक व्यक्त किया और परिवार के हिम्मत बांधने की ढांढस भी उन्होंने बधाई दी। और एक बड़ा झटका वाकई लगा है क्योंकि जो इंसान कल तक सुर्खियों में बना हुआ था, जो लोगों से मिल रहा था, जो अपने बेटे से वापस अपने मिलते हुए घर की तरफ या जो भी जहाँ भी वो लौट रहे थे, और उसके बाद से उस रास्ते में ही उनको मौत के घाट उतारा गया और मर्डर जैसी वारदात को अंजाम दिया गया, तो वाकई एक डराने वाला और एक कई सारे सवाल भी खड़े होते हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या बार बार शनिवार रात करीब 9:30 बजे के आसपास हुई थी। हमला करने वाले 3 शूटर्स चेहरे पर रुमाल बांध कर आए थे। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। एक आरोपी भीड़ का फायदा उठाकर भाग निकला था। गिरफ्तार आरोपियों में से एक आरोपी उत्तर प्रदेश का है, दूसरा आरोपी हरियाणा का रहने वाला है। इस घटना के बाद से मुंबई पुलिस की 5 टीमें क्राइम ब्रांच मामले की जांच कर रही हैं और जो मुंबई पुलिस है वो हरियाणा और उत्तर प्रदेश की पुलिस से संपर्क भी साध चुकी है। आरोपियों के डिटेल्स मांगे गए हैं कि उनकी जो पूरी डिटेल्स है वो क्या है, ताकि और कार्रवाई में मदद मिल सके। ये भी अपडेट निकल कर आया था, 3 शूटर्स नहीं बल्कि 4 शूटर्स थे। 2 शूटर्स तो पकड़े गए लेकिन वहां से 2 शूटर्स भीड़ का फायदा उठाकर भाग गए। तीनों जो शूटर आए थे, जो पुलिस के निगाहों में आए थे, एक शूटर तो शायद दिखाई नहीं पड़ा, लेकिन जब पुलिस अलग अलग एंगल पे जांच कर रही है तो ये भी अपडेट निकल कर आया, रुमाल बांध कर वो आए थे जब उन्होंने वो गोलियां चलाई। और चलिए बड़ी खबर इस केस से जुड़ी हुई ये है कि बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में सीधे सीधे लॉरेंस गैंग का कनेक्शन सामने आ रहा है। मर्डर केस में पुलिस ने जब 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनसे पूछताछ की गई तो आरोपियों ने बताया कि वो लॉरेंस गैंग से जुड़े हुए हैं। हालांकि इस दावे की जांच भी पुलिस के द्वारा की जा रही है। एक और आपसे इससे जुड़ी हुई एक खबर और आपको बता दें
कि पुलिस, क्योंकि जो स्लम एरिया था उसको रीडेवलप्ड किया जा रहा था, तो स्लम एरिया के रीडेवलपमेंट का भी बाबा सिद्दीकी विरोध कर रहे थे। पुलिस इस एंगल पर भी अब जांच कर रही है, तो अलग अलग एंगल्स पे पुलिस जांच कर रही है। ये एंगल भी अपडेट एक चीज निकल कर आई है कि स्लम रीडेवलपमेंट को लेकर बाबा सिद्दीकी उसके विरोध में थे लगातार, ये बात उनको नागवार गुजर रही थी, और इस वजह से भी पुलिस इस एंगल पे जांच कर रही है कि कहीं ये वजह तो नहीं थी। तो वजह कई सारे हैं जिस पर पुलिस अब जांच कर रही है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में बड़ा खुलासा ये हुआ है कि आरोपियों को पेमेंट किया गया था। शूटरों ने बाबा सिद्दीकी के घर और ऑफिस की रेकी की थी। हत्या के कुछ दिन पहले शूटरों को हथियार मिले थे। शूटर करीब 2 महीने में मुंबई में थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल मुंबई जाएगी और मुंबई पुलिस के साथ मिलकर काम करेगी। तो दिल्ली पुलिस की भी अब एंट्री हो चुकी है। दिल्ली पुलिस मुंबई पुलिस साथ में मिलकर काम करेगी। मुंबई पुलिस ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा पुलिस से संपर्क कर लिया है। आरोपियों के डिटेल्स मांगे गए हैं। एक आरोपी तो फरार है, ये भी अपडेट आया था कि 4 शूटर्स थे, 2 शूटर्स जो फरार है उनकी भी तरफ से जांच की जा रही है। इधर सलमान खान की गैलेक्सी अपार्टमेंट की तरफ सुरक्षा बढ़ा दी गई है। स्लम रीडेवलपमेंट का जो विरोध किया जा रहा था उस पर अलग जांच चल रही है उस एंगल पे। तो अलग अलग लॉरेंस गैंग से जुड़ी हुई जो 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया गया था, जो उन्होंने बताया, उस एंगल पर जांच चल रही है। और बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में एक और बड़ी खबर इस बीच में आ रही है। मुंबई पुलिस ने, वही हम आपको बार बार बता रहे हैं, कि हरियाणा और यूपी पुलिस से संपर्क किया है। मुंबई पुलिस ने पकड़े गए दोनों शूटर की जानकारी मांगी। हरियाणा पुलिस की एसटीएफ गुरमेल की जानकारी जुटा रही है, और गुरमेल बलजीत सिंह हरियाणा के कैथल का रहने वाला है। यूपी पुलिस धर्मराज कश्यप के बारे में जानकारी जुटा रही है। दोनों शूटर को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। देर रात तक इनसे पूछताछ की गई, और आज कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस की तरफ से सवाल रखे जाएंगे और रिमांड की अवधि मांगी जाएगी। कोर्ट को देखना होगा कि कितने दिन की रिमांड पुलिस मांगती है और कितने दिन की रिमांड पुलिस देती है। रिमांड में कई सारे सवाल पूछे जाएंगे और उसके बाद फिर से इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो आज दोनों जो शूटर्स, जो हम बार बार बता रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है धर्मराज कश्यप और जो हरियाणा का रहने वाला है गुरमेल बलजीत सिंह, उस दोनों को कोर्ट में आज पेश किया जाएगा। और मुंबई पुलिस ने, क्योंकि हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस से संपर्क कर लिया है, दोनों पुलिस की जो एसटीएफ टीम है वो दोनों ही आरोपियों, दोनों ही शूटर्स की जानकारी, डिटेल्स वो इकट्ठा कर रही है, और जैसे ही उनके पास जानकारी पूरी आ जाएगी वैसे ही वो सीधा मुंबई पुलिस को वो सारे डिटेल्स शेयर करेगी। और ये भी खबर, और ये या बड़ा अपडेट कह सकते हैं कि बाबा सिद्दीकी से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि गोली लगने की खबर के बाद से महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस लीलावती अस्पताल पहुंचे, जहां पर देर रात 11:27 के आसपास डॉक्टर्स ने उन्हें डेड डिक्लेयर किया। और इस पूरी घटना के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में यह केस चलेगा, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सुनिए क्या कहा है एकनाथ शिंदे ने। इन पर जानलेवा हमला हुआ था, दुर्भाग्य से उनमें उनकी मृत्यु हुई है, ऐसी खबर है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद घटना है। और इसमें 2 आरोपी अरेस्ट है, ऐसा पुलिस कमिश्नर फंसालकर जी ने मुझे कहा है, और 1 आरोपी फरार है। ये दोनों, एक हरियाणा और उत्तर प्रदेश का है, तीसरा आरोपी की जो फरार है उसको पकड़ने के लिए पूरी पुलिस की टीम क्राइम ब्रांच काम कर रही है, और उसको जल्दी पकड़ा जाएगा और ये तीनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। और चूंकि बाबा सिद्दीकी की मर्डर जब हुई और उसके बाद से जैसे खबर फैली, तो उसके बाद से बॉलीवुड सेलेब्स का भी तांता लीलावती हॉस्पिटल्स में पहुंचने का शुरू हो चुका, क्योंकि बाबा सिद्दीकी का लगातार जो उनका कनेक्शंस थे, क्योंकि वो बहुत सरल स्वभाव के थे, ये निकलकर सामने, का व्यवहार बहुत अच्छा था, और क्योंकि जाने माने नेता थे, महाराष्ट्र की सियासत में अच्छे बड़े दिग्गज वरिष्ठ नेता माने जाते थे, 3 बार के विधायक रह चुके, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, तो इसीलिए उनका बॉलीवुड कनेक्शन जो अच्छा था। तो 3 तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही उनको लोगों को पता चला कि बाबा सिद्दीकी इस बीच में नहीं रहे, उनका मर्डर हो गया, उसके बाद सेलेब्स का तांता लगा हुआ है। पहली तस्वीर आपको दिखाए, लीलावती हॉस्पिटल में पहुंचे संजय दत्त, और उसके बारे में और भी जो भी हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर कल रात को खुद आए थे, उनसे पता चला, क्योंकि कल मैं पूना में था, मैं सुबह यहाँ पहुंचा, लेकिन मेरी रात को देर से देवेंद्र जी के साथ भी बात हुई,
चीफ मिनिस्टर साहब के साथ भी बात हुई, उन्होंने बताया कि इसके पीछे कौन है, किसका हाथ है, ये हम ढूंढ के ही निकालेंगे। हम जरूर उसका बंदोबस्त करने वाले हैं जिन्होंने ये सब कदम उठाया, और अपोजिशन वालों को जो भी बोलना है वो बोल सकते हैं, लेकिन मेरी इतनी उनको विनती है कि अपना एक साथी, उन्होंने कांग्रेस में भी काम किया, हमारे महाविकास आघाड़ी में भी उन्होंने काम किया, अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस में आके वो महायुति का भी एक घटक बने थे और अच्छी तरह से काम करने की उनकी कोशिश थी, वो स्पीच भी अच्छी तरह से देते थे, उनके एरिया में कुछ कार्यक्रम भी हुए, वहाँ लोगों ने बहुत अच्छी तरह से रिस्पॉन्स दिया था, मैं खुद था, प्रफुल्ल भाई थे, बाबा थे, जिशान थे, सब हम थे, लेकिन जो नहीं होना चाहिए तो हुआ, इसका हमें बहुत दुख है। विपक्ष के नेता जो भी कहते रहे वो कहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिप्टी सीएम की उन्होंने चर्चा की, फडणवीस की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसको उनसे मुलाकात हुई, वो भी मिलने के लिए आए थे, बड़े नेता थे और एक साथी हमने खोया है जिसका दुख हमेशा रहेगा। और क्योंकि विपक्ष की बात की तो विपक्ष साफ तौर पर ये कह रहा था, चाहे वो कांग्रेस हो, तमाम पार्टियां जो महाराष्ट्र में है, उन्होंने कहा कि अगर पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, तो महाराष्ट्र की सरकार या महाराष्ट्र पुलिस आम लोगों की सुरक्षा कैसे करेगा। और इसको लेकर ही अजीत पवार को आप सुन रहे थे। तीन तस्वीरें जो हम आपको डिस्क्राइब कर रहे थे वो तीन तस्वीरें बॉलीवुड सेलेब्स की, चाहे वो संजय दत्त हो, चाहे सलमान खान हो, या शिल्पा शेट्टी विद मतलब अपने पति के साथ राज कुंद्रा के साथ वो गई थी। ये तीनों तस्वीरें उस समय की है जब लीलावती हॉस्पिटल में वो एडमिट थे और जब 11:27 पर उनको डेड डिक्लेयर किया गया था बाबा सिद्दीकी। और चलिए इस बीच अजमेर के किशनगढ़